वेलकम बैक स्टूडेंट्स. सो एज यू कैन सी ऑन स्क्रीन, आज हम करने वाले हैं इंटरनल लिंकिंग. ओके, इंटरनल लिंकिंग कैप्स लॉक में लिख लेते हैं इसको हम. इंटरनल लिंकिंग. ओके, अब इंटरनल लिंकिंग क्या होता है? इंटरनल लिंकिंग होता है कि विद इन अ पेज, लाइक मेरा एक सिंगल पेज है, उसी में मुझे क्या करना है, अपने टेक्स्ट को लिंक करना है आपस में. ओके, मीन्स लाइक आपके जैसे बुक होता है, बुक में क्या दिए होते हैं, आपके डिफरेंट डिफरेंट बुक मार्क्स दिए होते हैं. लाइक आपका कोई वर्ड है राइट, उसका कोई मीनिंग फाइंड आउट करना है. इंग्लिश में होते हैं बहुत सारे वर्ड के ऊपर स्टार 1, 2, A, B, C लिखा होता है, एंड एट द एंड पेज के एंड पे क्या होता है, उसकी मीनिंग लिखा होता है. करेक्ट, सो दैट्स योर कॉल बुक मार्क. सो बुक मार्क क्रिएट करने के लिए हम क्या करते हैं, इंटरनल लिंकिंग का यूज करते हैं HTML में. सो हाउ वी विल क्रिएट इट, इसमें हम क्या करते हैं, हमारे नेम एट्रीब्यूट का यूज करते हैं. उससे पहले मैं आपको एक प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट का बता देती हूँ कि क्या है. प्री टैग, प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट होता है. आई एम टाइपिंग हियर प्री फॉर्मेटेड ओके टेक्स्ट. प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट का मतलब होता है कि पहले से ही जो फॉर्मेट है, प्री का मतलब पहले से, ठीक है ना, जो फॉर्मेट करा हुआ है, जो हमने मतलब स्टाइल वगैरह जो चीज़ की हुई है वो एज इट इज रहेगी. ओके, मीन्स इफ मैं यहाँ पे एंटर प्रेस करके यहाँ पे हेलो लिखूंगी तो यहाँ पे हेलो आएगा. ओके, लाइक मैंने यहाँ पे प्री को क्लोज कर दिया. सो क्या होगा अब यहाँ पे मुझे br लगाना पड़ता था राइट. मुझे क्या लगाना पड़ता था, br. आई एम जस्ट सेविंग इट, मैंने इसको पहले से ही सेव किया हुआ है. नाउ आई विल रन इट. ओके, आई एम गोना जस्ट रन इट. यू कैन सी मेरा हेलो पहले से ही स्क्रीन पे है. करेक्ट, अब अगर मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे से मैंने यहाँ पे बहुत सारे स्पेसिस के बाद क्या लिखा है, कुछ लिखा है राइट, एंड देन बहुत सारे स्पेसिस के बाद लिखा है, देन एंटर के बाद लिखा है राइट, एंड आई एम जस्ट सेविंग इट एज इट इज, एंड आई एम प्रेसिंग हियर हैव 5. देखो वो सेम फॉर्मेशन में आ रहा है, मुझे कुछ बी आर यूज करने की नीड नहीं पड़ी, कुछ भी यूज करने की नीड नहीं पड़ी, जस्ट बिकॉज ऑफ माई प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट, मेरे प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट की वजह से. ओके, सो ये हमारा होता है प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट. अब मैं इसी का यूज करने वाली हूँ यहाँ पे मेरे मतलब हमारे क्या कहते हैं इंटरनल लिंकिंग के लिए. ओके, आई एम जस्ट गोना बैक स्पेस इट. ओके, नाउ आई विल जस्ट फर्स्टली क्लोज द बॉडी. ओके, कैप्स लॉक ओवर बॉडी, नाउ आई विल क्लोज माय HTML as well. Okay, then we will start linking. So before linking, अब हम एक क्वेश्चन पेपर एरिया बनाने वाले हैं. सो मैं यहाँ पे एक सेंटर ले रही हूँ. ओके, देन आई एम टेकिंग वन H1 एंड आई एम राइटिंग हियर क्वेश्चंस एंड आंसर्स. ओके, एंड देन आई एम जस्ट गोना क्लोज माई H1 एंड आई ऑल्सो गोना क्लोज माई सेंटर. ओके, ये हो गया है. नाउ हाउ लिंकिंग हमारी किससे यूज होती थी, HREF राइट, एंकर टैग एंड HREF एट्रीब्यूट. करेक्ट, अब इसमें क्या चेंज है, मुझे बिकॉज सेम पेज पे देना है तो मैं यहाँ पे नेम सेट करूंगी. किस तरीके से, यहाँ पे मैंने हैशटैग लिख दिया, हैशटैग A1, जैसे हम किस पे करते हैं, इंस्टाग्राम पे, हैशटैग दिस, हैशटैग दैट, लाइक दैट. ओके, सो हैशटैग A1 एंड आई विल जस्ट क्लोज इट, एंड यहाँ पे मैंने लिखा question1 डॉट व्हाट इज लिंकिंग. ओके, एंड आई विल जस्ट क्लोज माय एंकर टैग एंड आई विल जस्ट सेव दिस, मैंने इसको सेव किया. ओके, एंड देन आई विल जस्ट बैक टू माय दिस एंड आई विल प्रेस F5. यू कैन से ये क्या बन चुकी है, ब्लू कलर की लिंक. ओके, आई एम जस्ट क्वाइट जूमिंग दिस एंड यू कैन सी ये आपका क्या बन चुका है, ब्लू कलर का लिंक बन चुका है. करेक्ट, सो अब ये ब्लू कलर का लिंक बन गया है बिकॉज ऑफ माई एंकर टैग राइट, बिकॉज ऑफ माई एंकर टैग. नाउ अब आप देख रहे हैं यहाँ हैंड आ रहा है, अब ये जाएगा कहाँ पे. करेक्ट, सो मैंने क्यों यूज किया प्री फॉर्मेटिंग टेक्स्ट,
I'll just press enter. Remember, मैंने hashtag A1 लिखा है. I'll just press A1. बहुत ज़्यादा मैं नीचे जा चुकी हूँ. Okay, यहाँ पे मैंने लिखा है A. यहाँ मैं यूज़ करूँगी name attribute. Name equals to, जो हमने hashtag में दिया है, right? वो हम यहाँ लिख देंगे, जो हमने hashtag में दिया है name attribute के through. Okay, कि भाई नाम क्या है, आप कहाँ जाना चाह रहे हैं. So I'm typing here, answer is linking is to connect two or more web pages with each other. Okay, that's your, क्या कहेंगे, इंटर वो लिंकिंग. नाउ मैंने अपना एंकर क्लोज किया, मैंने अपना प्री भी क्लोज कर दिया. ओके, एंड आई एम जस्ट सेव दिस. मैंने इसको क्या कर दिया, सेव कर दिया. ओके, एंड आई विल जस्ट गो बैक टू माय ब्राउजर एंड आई विल जस्ट प्रेस माय F5 एंड हियर चेंजेस आर गॉन. एंड नाउ यू कैन सी अ हैंड. व्हेन आई प्रेस हैंड, माय आंसर इज देयर, एज यू कैन सी. ओके, आई जस्ट गो नो अपवर्ड. ओके, जस्ट बैक टू द स्क्रॉल बार. And you can see, अब इसका आप कलर देखेंगे. You can see the color. Color is changed to purple. Okay, class, color is changed to purple because ये link used हो चुका है. So when I clicked, my answer is out there. Okay, कि मैं अपने answer पे आ गई. Bookmark create हो चुका है मेरा. Right, linking is to connect two or more web pages with each other. So that's your pretty answer. Okay, ये हमारी क्या है, internal linking. कि मैं एक ही वेब पेज पे अपने मल्टीपल, राइट, कि मैं अपने मल्टीपल चीजों को किस तरीके से काम करा सकती हूँ. सो ये मेरी क्या होती है, इंटरनल लिंकिंग. हम और भी कर सकते हैं. ओके, जैसे मैंने यहाँ पे बहुत सारा बना लिया. आई एम जस्ट कॉपिंग इट. एक मैंने यहाँ कर दिया एंड उसके बाद मैंने एक बहुत सारा एंटर प्रेस करके यहाँ कर दिया एंड आई एम जस्ट टाइपिंग हियर A3. ओके, एंड यहाँ आई एम टाइपिंग इट्स योर A2. ओके, एंड ऊपर भी गई मैं. यस, यहाँ पर जहाँ पे मेरा क्वेश्चनिंग था, यहाँ पे, राइट, एंड आई जस्ट कॉपी दिस क्वेश्चन सी एंड एंटर क्वेश्चन B. एंड यहाँ पे मैंने क्या करा है, A2. ओके, मैंने चेंज कर दिया, भले लिखा सेम है बट मैंने चेंज कर दिया A3 आंसर. ओके, सेव किया, ब्राउजर पे गए, F5, आई जस्ट प्रेस F5, राइट, बैक टू दिस. यू कैन सी 3 क्वेश्चंस, यू कैन सी, सॉरी फॉर द दिस, यू कैन सी 3 क्वेश्चंस, राइट, 3 क्वेश्चंस आउट देयर विद ब्लू लिंक्स, राइट. नाउ आई एम प्रेसिंग टू A3. Okay, I'll press to A3 and just squeeze out. You can see here is your answer A3. Okay, now all are at same pages, all are at same, right? So, मैं क्या करूँगी, 3 में थोड़ा सा और spacing डाल दूँगी. यहाँ पे मैं और भी ज़्यादा spacing डाल दूँगी, बहुत सारी spacing, save कर दूँगी. F5, you can see ये out of the range चला गया है मेरा B3 का answer, correct? Back to the scroll bar. Okay, now I'm just gonna type here 3. You can see. Now हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, मैं ऊपर कैसे जाऊंगी, right? Now how? मैं ऊपर कैसे जाऊं? So simple है, हम यहाँ पे कहाँ पे क्या डाल सकते हैं, यहाँ पे. I just back to the top. यहाँ पे H1 के पास, यहाँ पे हम डालेंगे A name. नेम डाल दीजिए आप, टॉप. ओके, नेम डाल दिया हमने, टॉप इक्वल्स टू, ओके, कॉपी H1 से पहले, पेस्ट, एंड H1 के बाद दिस एंकर इज गोना क्लोज, सेव. ओके, ये मेरा टॉप डल चुका है. मैं इसको क्या कर लूंगी, कॉपी कर लूंगी, बस मुझे यहाँ पे हैशटैग टॉप करना है.
और यू कैन से मैं ये कॉपी कर लेती हूँ सी राइट राइट मैं कहीं पे भी टॉप एंड इंसर्ट कर सकती हूँ यहाँ पे कंट्रोल वी यहाँ पे मैंने लिख दिया है टॉप एंड यहाँ पे भी मैं लिख दूंगी टॉप एंड माय एंकर इज क्लोज एंड शिफ्ट कंट्रोल सी एंड विद द डाउनवर्ड डायरेक्शन जस्ट विद माय A3 कंट्रोल वी कंट्रोल सेव एंड व्हेन आई कम टू ब्राउज़र आई प्रेस F यू कैन सी अ स्मॉल टॉप ओवर देयर राइट आप यहाँ पे एक स्मॉल टॉप देख सकते हैं with a blue link and when I click I'll back to my top correct and back to my top so that aap page mein kahin ja rahe hain so aap dobara se wapas wahi aa sake jahan pe aapko aana hai as simple as that so I'm just gonna click my second okay you can see your top right I'll press top ye purple hai ye dono blue hai third you can see the top I'll just click dono purple first blue press here my answer is 1 So, how you can do internal linking? As simple as that. Okay, students? So, ये आपकी internal linking होती है. Main क्या होता है? कि आपको HREF के साथ hashtag use करना है और आपने name के साथ उसको top पे use करना है. Okay? Name, HREF hashtag. As simple as that. Listen to video carefully and जो मैंने आपको pages share किए थे वो देखिए and अगर नहीं समझ में आ रहा you can simply comment or message. Okay? Thank you. Stay safe. Stay at home.